नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऑक्टोपैड छोड़न दास गुप्ता। तो आज बहुत ही काम का वीडियो लेके आए हैं, जैसे कि हाउ टू प्ले या इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। तो कोई भी चैनल में मत जाइए, इस चैनल में ये जो वीडियो है आज से लेके और 5 वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर ये हैमसोनिक लेने वाले है या हैमसोनिक ले चुके हैं तो इसको देख के आपको पूरा काम आएगा। तो चलिए आज दिखाएंगे, थोड़ा कुछ बजा के भी दिखाएंगे और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिखा देंगे। ठीक है ना, जो काम प्रोग्राम में काम आने वाला है या घर में बजाएगा वो भी काम आने वाला। अगर आपके पास नया हैंडसोनिक टोन नहीं खरीदे हैं, देखिए कंपनी का टोन ये अच्छा नहीं बचेगा, इसके लिए आपको पर्सनली परचेस करना पड़ेगा। अगर टोन चाहिए तो मैं आपको वीडियो में नंबर दे दूंगा, मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको देने का कोशिश करूंगा, पूरा फाइल दे देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, बजाइएगा। तो कुछ टोन का रिव्यू देंगे और इसका फंक्शन भी क्या, कौन सी अपना जो मान लीजिए ये मेनू फंक्शन है, डिस्प्ले में भी दिखाएंगे और बजाने का तरीका। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, और कुछ भी चीज समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है तो हमको भी थोड़ा समय दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम दिखाएंगे तबला का कुछ टोन। पहले भी हमने तो तबला का टोन दे, इसमें बहुत सारे तबला का टोन है, पर कुछ चाहिए जो लेफ्ट में बजाते हैं उसके लिए भी ये मिलेगा और राइट में जो बजाते हैं उसको तो मिलेगा ही, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे थे, यानी तेरे जो बजाते हैं हम लोग, यानी देखिए फिंगर को पहले देख लीजिए, ऐसे बजाना पड़ता है, 1 2 1 2। अगर तेरे कहते बजाना है में आ रहा है, एक भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बहुत ही नाजुक से बजाना पड़ेगा। तो तेरे कीटे, तेरे कीटे ता, तो ता ना जो है दोस्तों इससे आपको मारना पड़ेगा, यानी ढोल तबला में आपको ऐसे मारना पड़ता था, तो इसको आप इससे मारना पड़ेगा, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है दोस्तों। और एक चीज आपको समझा दे, जैसे कि ये घे धा हम लोग जो बजाएंगे, देखिए इस फिंगर से धा हो गया ना, अब देखिए ये बजाएंगे कितना इजी, आप ही बताइए। अगर इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा। और दूसरा जो दोस्तों तो इसमें बजाने का जो तरीका है फिर देखेंगे, देखिए पहला बार ऐसा कोई वीडियो बना रहे हैं हमको शायद लग रहा है, हम भी बना रहे हैं खुद, ठीक है ना। तो चलिए, और दूसरा चीज है इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए तबला बजाते हैं, कोई भी आपका जो ओल्ड सॉन्ग होता है उसमें कम्बो लग जाता है, तो इसमें बजाएगा, बहुत ही अच्छा चीज है दोस्तों। ये जो बनाया है जिसने बजाया उसको हम तो सलाम झुकेंगे, क्योंकि इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया है दोस्तों, क्या बताएंगे। हमको तो थोड़ा बहुत बजाने आता है, ठीक है ना, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोग सीखिए और बजाइए, ठीक है ना, आपको सुविधा के लिए हम बना रहे हैं। तो पहले देखिए, आप देखिए रोल लेंगे इसका, यानी आप बताइए इसको कैसे बजाएंगे, आप भी बजाएं। आप मान लीजिए इसको डबल बजाएंगे, इसको देखिए पहले इसको ताल से बजाना पड़ेगा, और ये जो है ढोले के जैसे नहीं है, जो बायां तबला बजाता है तो मान लीजिए उसको वैसे अप्लाई करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसा बजाता है तो ऐसे नहीं होगा, इसको बहुत इजी है दोस्तों। अगर कोई हैंडसोनिक लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप लीजिए बेझिझक, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और आप इसको ओपन भी बजा सकते हैं।
अब कुछ ढोलक बजाएंगे, यानी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ढोलक का बजाने का कुछ पैटर्न है, जैसे कि हम लोग देखे थे कौन सी खाना में क्या रखा हुआ है। इसमें तबला का चाटी है, ढोलक का सॉरी, इसमें छल्ला है, इसमें तबला का चाटी है, इसमें जो मत्री किट बजाएंगे हम लोग, इस सबकी जो है ये है, और इसमें कॉन्गो सब है, ठीक है ना। और इसको तो इसको पहले हम लोग समझेंगे। इसमें आपको ज्यादातर दो से तीन जो पैटर्न है हम दिखाएंगे, उसके बाद आपको खुद भी खुद पता चल जाएगा इसको कैसे बजाना है। तो पहला नंबर जो है दोस्तों, इसको हम फोर फोर पैटर्न बोलेंगे। फोर फोर पैटर्न क्यों बोलेंगे, देखिए और स्लो करके देखिए, वीडियो को अगर अच्छा लगता है दोस्तों जरूर लाइक दीजिए और इसको बजाने का आप भी कोशिश कीजिए। क्या है पहले, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको बजाएंगे, ठीक है ना। स्लो करके इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको समझने में सुविधा हो। और एक एक जो है तो ऐसे बहुत सारे टोन है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा टोन का रिव्यू नहीं दे रहे हैं, आप कैसे बजाएंगे वही सिखा रहे हैं। और एक चीज आप लोग को सिखाएंगे, आपको जो है मैंने जो वादा किया था इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो कैमरामैन फोकस करो, इसमें इधर से लगाइए आप और दिखाइए कैसे इसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉब से, यानी किस कौन सी नॉब का क्या काम है। पहले ये वाला जो पीछे है दोस्तों, फोन का वॉल्यूम का ये काम करता है, ठीक है ना। और ये है मास्टर वॉल्यूम, और दूसरा वाला ये है जो टेम्पो और उसके साथ क्विक रिकॉर्डिंग का भी काम करता है। ये है डी ड्रम, यानी इसका काम है, ठीक है। अच्छा ये मेनू है और एक किट है। किट का काम क्या होता है, आप कहीं भी ऑप्शन में जाइए, तुरंत आपको होम में आना है तो इसको ऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो काम है पीच का, ये देखिए इसको अच्छा, उसके बाद ये और दूसरा जो ये रोल है, रोल का क्या काम है देख लीजिए। तो इस रोल को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, कौन कितना स्पीड में रखना चाहते हैं वो ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। दूसरा ये हो गया चेन के लिए, ये ईडिट लिखा हुआ है, ये टेम्पो कितना टेम्पो में लूप्स बजाना चाहते हैं या कुछ भी, ठीक है ना। पहले तो हम इसको ऑफ करते हैं। दूसरा नंबर काम है ये दोस्तों, पहले हम लोग जाएंगे मेनू में। मेनू में के जाने के बाद आपको सिक्स फंक्शन दिखाएगा। पहला नंबर आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, इसको एंटर करने में आपको इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगा हुआ, ये बैंड या बी बैंड जो लियर है सब दिखाई देगा। इसके बाद आपको एडिट में आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा टाइप का वीडियो चाहिए तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे, डिस्प्ले में सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा जो आप आएंगे, ये कर्सर है, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां जा सकते हैं, एग्जिट है, ये एंटर है। और जो मास्टर प्लस माइनस है ये है, और ये है दोस्तों शिफ्ट, और इसके एकदम दाहिने साइड में जो है ये है ओपन बटन, पावर बटन जिसको बोलता है, ये स्विच से पावर ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को हम जितना हो सका समझाने का कोशिश किए, अगर और भी विस्तार से आपको देखना है और कुछ जानकारी चाहिए तो कॉमेंट कीजिए, और हम व्हाट्सएप नंबर तो वीडियो में देंगे ही। अगर टोन वगैरह चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक हमको कॉल कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।
और लाइक देना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि फिर आने वाला है इससे भी बेहतरीन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नया वीडियो के साथ। आज के लिए टाटा, जय हिंद।